एमडी मेडिसिन हूँ और पिछले 28 सालों से डॉक्टरी कर रहा हूँ। मेरी वाइफ एमएस आई सर्जन है जो आंखों के ऑपरेशन करती है। मुझे जिस व्यक्ति ने इस कंसेप्ट के बारे में बताया, भगवान के माँ बाप के बाद में, गुरु के बाद में, अगर किसी को मैं याद करता हूं, क्योंकि डॉक्टर को उसके चैम्बर से निकालना कि हमारा तो सीधा छापने का काम है, तो उधार तो आएंगे हमारे, और कोई एमआरपी नहीं है, जैसा मांगा तो सीधी सी बात बता रहा हूँ। फिर डॉक्टर क्यों बनते थे बताओ, कि नहीं माँ बाप ने सोचा होगा मेरे बच्चा डॉक्टर बन जाए, सपना क्यों लिया होता पता है, क्योंकि उसमें इतनी तो डॉक्टर होकर के भी वो ऐसे टेम्पो वेम्पो में चलेगा ऐसा तो नहीं होता ना। बहुत सारे लोगों का सपना था, मेरा भी था, मैंने उस लाइफ को जिया 28 साल डॉक्टरी करके। लेकिन इस दरमियान में जब मुझे ये कंसेप्ट बताया गया तो मुझे समझ में क्या आया होगा पता नहीं, लेकिन आपको पता है अगर आप यहाँ आए हो तो किसकी मर्जी से आए हो? ऊपर वाले। आपको लगता है कि आपको जिसने बुलाया उसकी मर्जी से आए हो? इस बात पे जिसको भरोसा है ना, तो मैं मानता हूँ आने वाले 2 साल में अगर आपने इस भरोसे को बनाए रखा तो निश्चित तौर से, अब जो भी शर्मा जी ने बताया आपको, वो इनकम नहीं, बहुत बड़ी इनकम के लिए आप बने हो। ऊपर वाले ने अगर आपको यह भेजा है ना, तो किसी मकसद से भेजा है, मानते हो इस बात को आप? क्या वो मकसद आप पूरा कर रहे हो? आपको भेजा है ऊपर वाले के, जो काम वो नहीं कर सकता ऊपर से, उसको किसी ना किसी से तो करवाएगा ना, तो क्या वो आप समाज में वो जिम्मेवारी ले रहे हो आप? नहीं। ये अपनी जेब अपना पेट भरने में ही जिंदगी, ये अपना पेट भरने के लिए जानवर भी बहुत है, वो कर लेता है वो सारे काम, बच्चे को भी खिला देगा, बच्चे पैदा कर लेगा, ये सब कर लेता है, पर इंसान क्यों बनाया उसने आपको, बता सकता है कोई व्यक्ति मेरे को? कितना भला कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन इस समाज में जो ये समाज की हम कल्पना कर रहे हैं ना, इस समाज में वो जिम्मेवारी आपको लेनी है और उस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए आपको यहाँ बुलाया गया। अभी बताया होगा आपको इतने लाख रुपए आते हैं, मैं कहता हूँ डॉक्टरी में तो पैसा तो पहले से ही है ना, अगर मैं अपनी इनकम और सारी प्रॉपर्टी बताऊंगा तो आप कहोगे सब यहाँ साबुन तेल बेचने क्यों आए हो? यहाँ पे भी सारी बताइए ना, इसमें साबुन भी है, तेल भी है, ये भी है, तो क्या साबुन तेल बेचने के लिए कोई आता है? नहीं। ये बिजनेस किस चीज का है ये मैं समझाता हूँ अभी आपको। पहले तो मैं जानना चाहूंगा, हर आदमी पैसे में इंटरेस्टेड है? yes. एक्स्ट्रा इनकम में इंटरेस्टेड है? yes. पहली बात, आप हर आदमी इस काम को कर सकता है। दूसरी चीज, क्या आप कंज्यूमर हैं? yes. बस ये 2 क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें। आपको पैसे की जरूरत है एक्स्ट्रा और आप कंज्यूमर है तो आप यहाँ पे। मुझे जब इस बिजनेस का पोटेंशियल बताया गया तो मुझे समझ में आया कि जो कारण है हमारी इनकम कमाने की, जो साइंस है वो क्या है? पैसे कमाने की साइंस होती है, आपको सब तरह की साइंस बताई होगी कि भी पानी ऐसे बनता है, आपका ये खाना ऐसे बनता है, सब कुछ पता है। पैसे बनाने की साइंस जॉब तो नहीं है? जॉब पैसे बनाने की साइंस है क्या? नहीं। बिजनेस पैसे बनाने की साइंस है, लेकिन उसमें टाइम बताया होगा आपको यहाँ पे पूरे प्लान में। बिजनेसमैन के पास क्या सबसे ज्यादा गरीबी किस चीज की होती है? उसके पास फुर्सत नहीं है टाइम की। प्रोफेशनल डॉक्टर मेरे जैसे, सुबह चैम्बर में घुसना, मेरे हाथ में वापस बाहर निकलना, अब देखना जितने भी बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जितने बड़े वकील है, वो टाइम होता है उनका खुद का? बच्चे भी तरसते रहते हैं पापा कब आएंगे, और वकील और ये तो रात भर इनको तो प्रैक्टिस केस स्टडी करनी पड़ती है। तो मैं तो कहता हूँ इतनी टफ लाइफ अगर जीने के लिए हमें भेजना है, भेजा है क्या ऊपर वाले ने? इस बिजनेस का पोटेंशियल जो मुझे समझ में आया, अगर हमें ये पता है कि एक एप्पल में कितने बीज होते हैं, कोई नया व्यक्ति पहली बार जो आया बताएगा, कोई पहली बार जो इस मीटिंग में आया, आज जो पहली बार आया, सब पुरानी है, आप बताएं, आप एक बताएं एप्पल में कितने बीज होते हैं? एक एप्पल में 8 ही होते हैं, 8 बीज होते हैं, एक बीज में कितने एप्पल होते हैं बताओ आप? अनगिनत। कैसे बताओ, कैसे अनगिनत? कैसे बस ये बात जिस दिन मुझे समझ में आ गई कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे कितने लोग इस धरती पर हैं जो मेरी जैसी सोच वाले हैं, इस पोटेंशियल को जिस दिन मैं समझ गया, मेरा नेटवर्क, मेरा नेटवर्क है। आप अकेले रहोगे आज नौकरी में, रिटायरमेंट तक, मरते दम तक अकेले रहोगे। यहाँ अगर 1 से 2 हो जाते हो आप समझ लो आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट
कर ली, कर ली, क्योंकि दो से क्या होने वाले हैं चार, और चार से पता है आपको बारह संख्या अगर की जाए, बारह लेवल तक जाया जाए कितने हो जाएंगे, चार हजार छियानवे लोग। अगर चार चार हजार रूपये का सामान लेते हैं महीने का, तो चार हजार इंटू चार हजार करना कितना होता है, बहुत हो जाएगा, 16 लाख हो जाता है। ये करोड़ 60 लाख का काम हो गया किसका, इस ऑफिस का, वह चीज का, और प्रॉफिट क्या होगा उसमें, 5% 10% 5% कितना होगा, 16 करोड़, 1,60,00,000 का कितना होगा, 8 लाख। ये काम हमें इसलिए करना है कि हमें लोगों की सेवा करनी है। शुरू में बोला आपने, अभी जो आपकी दाल रोटी चल रही है उसमें तो कोई घाटा नहीं है। अब ये सपने पूरे करने के लिए, अब औरों के सपने पूरे करने के लिए अगर आप आए हो, तो आपके सपने तो ऑटोमेटिक पूरे हो जाएंगे। ये पता है बिजनेस किसका है, अगर आपको मर्सिडीज लानी है तो आपको 6 लोगों को होंडा सिटी या ऐसी कोई 15 लाख की गाड़ी दिलानी पड़ेगी। एक आदमी मुझसे मिला कि सर मैं अगर 6 जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा जब तक तू ये सोचता रहेगा मुझे क्या मिलेगा तुझे, तो ये पूछिए 6 जनों को सर अगर कार आ जाएगी तो मुझे क्या मिलेगा, इनको कार दिलानी मुझे फिर क्या मिलेगा। तो मैंने बोला कर भला तो अगर इस सिद्धांत को समझ गए आप दोस्तों, कितनी बची है अभी आपकी, कुछ तो कह युवा बैठे उनसे तो बाकी जो हमारे मिडिल एज वाले हैं उनसे पूछो कितनी बची है, किसी के पास अमरफल है खाया हुआ कैसा, 500 साल तो मुझे कुछ नहीं होगा। अगर आपकी इनकम में से आपको माइनस कर दिया जाए, सॉरी थोड़ा कड़वा शब्द है, आपकी इनकम में से आपको माइनस कर दिया जाए तो क्या होता है, ये बात आपको सबको पता है, अभी जो सांस अंदर गई है बाहर आएगी इसकी गारंटी है, फिर ये सब प्लान समझाने की जरूरत है, अरे भैया लपक लो इसको कल तक का तो पता नहीं है, और ये कहते कल सोच के बताऊंगा, स्किल में उनकी गलती नहीं है, हमारी जैसे कुछ लोगों ने इधर उधर इस तरह के घोटाले करके इस इंडस्ट्री को भी गलत तरीके से पेश किया है। अब उस कचरे को भी साफ करना हमारा ही काम है, गंदगी फैलाने में 1 मिनट लगती है, उसको साफ करने में। तो मैंने इसके अंदर अगर कामयाबी पाई है यूनिवर्सल क्राउन लेवल, और जो मेरी 2.5 से 3 लाख रुपए की महीने की इनकम है उसके पीछे राह जानना चाहते हो, yes. पक्का कुछ लोगों ने जाना है कुछ नहीं जाना है, जानना चाहते हो, yes. सीरियसली, yes. आपको आज अपने घर में एक बढ़िया सा एक पोस्टर बनाना पड़ेगा, और उसको कहाँ चिपकाना पड़ेगा, बेडरूम में, तो क्या आप आगे देख पाओगे, जगह दिखा लगा दो जहाँ पे सब लोग आपसे मिलने, और आपके मोहल्ले आपका जो कॉलोनी है उसके 10 मकान इधर 10 मकान उधर वालों को बोल दो कि ये मेरा सपना अगले साल पूरा होने वाला है, मैं गारंटी बता रहा हूँ आपके ड्रीम 100% पूरे होंगे। तो जैसे आप घर से बाहर निकलोगे ना तो आपको शायद भूल जाओगे कि आपने मेमोरी वीक हो जाए, जितने भी पड़ोसी है ना वो मुझे आपको अपने आप को बेचना पड़ेगा दोस्तों। आपने जितनी कह दिया ना मेरी ब्लैक कलर की मर्सिडीज जिसके अंदर इस तरह का अंदर की कवर्स होंगे, एक ड्राइवर होगा और मैं उसके अंदर लॉन्ग ड्राइव में जा रहा हूँ बच्चों के साथ में, ये आपने अगर बता दिया मोहल्ले वालों को और गलती से आपके पड़ोस में भी कोई ऐसी कलर की गाड़ी आ गई तो उन सबके क्या निकलने लग जाएंगे नीचे से, वो कहेंगे सच में आ गई क्या। मैं सच बता रहा हूँ आपको, अपने आप को फुल्ली एक्सपोज करना, ये बताना पड़ेगा यस ये सपने हैं मेरे। अभी क्या होता है आपने शुरू में जब शुरू किया था ना काम तो हमने सपने तो लगा दिए, जैसे कोई मेहमान आता था तो कील पे पोस्टर लगा दो कुछ और, क्योंकि कल को वो देखेगा तो हंसेगा हम पे। हम अपने ड्रीम को बताते हुए हमें क्या होता था शर्म आती थी, हम क्या उसके ऊपर कोई और पोस्टर लगा देते थे कुछ, क्यों लगाए थे कि वो हंसेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप पे कोई नहीं हंस रहा है इसका मतलब आपने अभी तक काम शुरू नहीं किया, ये मैं सच बता रहा हूँ। अगर आपके ऊपर कोई नहीं हंस रहा है आप घर से निकलो तो कम से कम कोई ना कोई हंसने वाला मिलना चाहिए, ओहो मर्सिडीज। अपने आप
आपको बेचना पड़ेगा दोस्तों। आपने जिस दिन ये कह दिया ना मेरी ब्लैक कलर की मर्सिडीज जिसके अंदर इस तरह का अंदर की कवर्स होंगे, एक ड्राइवर होगा और मैं उसके अंदर लॉन्ग ड्राइव में जा रहा हूँ बच्चों के साथ में, ये आपने अगर बता दिया मोहल्ले वालों को और गलती से आपके पड़ोस में भी कोई ऐसी कलर की गाड़ी आ गई तो उन सबके क्या निकलने लग जाएंगे नीचे से, वो कहेंगे सच में आ गई क्या। मैं सच बता रहा हूँ आपको, अपने आप को फुल्ली एक्सपोज करना ये बताना पड़ेगा, यस ये सपने हैं मेरे। अभी क्या होता है हमने शुरू में जब हमने शुरू किया था ना काम तो हमने सपने तो लगा दिए, जैसे कोई मेहमान आता ना तो कील पे पोस्टर लगा दे कुछ और, क्योंकि कल को वो देखेगा तो हंसेगा हम पे। हम अपने ड्रीम्स को बताते हुए हमें क्या होता था शर्म आती थी, हम क्या उसके ऊपर कोई और पोस्टर लगा देते थे कुछ, क्यों लगाए थे कि वो हंसेगा। देखिए दोस्तों अगर आप पे कोई नहीं हंस रहा है इसका मतलब आपने अभी तक काम शुरू नहीं किया। ये मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपके ऊपर कोई नहीं हंस रहा है आप घर से निकलो तो कम से कम कोई ना कोई हंसने वाला मिलना चाहिए। ओ मर्सिडीज भाऊजी कहाँ जा रहे हो, वर्ल्ड ट्रिप्स। अगर वो नहीं हंस रहे इसका मतलब, क्योंकि दुनिया में जिन जिन पे जग हंसा है उन्होंने ही इतिहास है। आप इतिहास रचने के लिए आए हैं क्या, भीड़ में ही आए हैं, भीड़ में जाने वाले हैं नहीं। तो दो साल के लिए इस जगह को मंदिर बना लो, अपना गुरुद्वारा मस्जिद बना लो और अपने तहे दिल से उस आदमी के सपने के पूरे करने के लिए जाओ। अब किसी को आप लेके आते हो ये मत सोचो ये आ गया है तो एक तो फंसा क्या लगता था दो तो हो गए चार बाकी है डाल रहा है। आप भी सोचना इस व्यक्ति के घर में इसकी अच्छी हेल्थ आ जाए, इसके घर में दो पैसे की आमदनी आ जाए, अल्लाह नहीं करे भगवान नहीं कल इसके घर में कोई बीमारी आ रही हो तो इसके पास में वो इनकम तो हो, नहीं तो क्या होता है जब बीमारी होती है ना घर में बड़ी कोई अच्छी बीमारी तो गवर्नमेंट में क्यों ले जाना पड़ता है, पैसा नहीं होता। जब बच्चे का एडमिशन कराना होता है तो कहाँ कहाँ सोचते हैं कि बेटा इतना तो पैसा नहीं है हमारे पास, वो सारी चीजें उस सब के उसके सपने पूरे हो उसके लिए आप जा रहे हैं उसके घर में और इस दुआ लेकर के अगर आप जाओगे तो क्या ये काम नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन हमारे अंदर से मन क्या चल रहा होता है, अभी तक तो एक भी नहीं बना है, मैं जा रहा हूँ कोई सुन नहीं रहा है कोई, आप मतलब ऐसे सुनते हुए बोलते हुए जाओ आप सोचते हुए जाओ आप किसी को प्लान दिखाओगे क्या होगा बताओ, जैसे सोचते जाओगे वैसे ही सामने से, और ये सोचते जाओ कि आज का दिन सबसे महान दिन है, आज इस व्यक्ति को मैं प्लान दिखाने जा रहा हूं उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, आई एम ए विनर आई एम द बेस्ट आई कैन डू इट और ऊपर वाला मेरे साथ है। अगर ये आप बोलते हुए जाओगे आपके अंदर से जो भाव आपके जो विचार निकलेंगे मैं दोस्तों निश्चित तौर से कह सकता हूं आपकी कामयाबी आपके पीछे दौड़ेगी, आपको नहीं दौड़ना पड़ेगा। तो जो लोग चाहते हैं कि दो साल में हमें ये रट्टा टंटा खत्म कर देना है वो लोग आज यहाँ पर है और आज तय करके जाए कि आज के इस दिन से ही हम जिस व्यक्ति को प्लान दिखाएंगे पूरा प्लान दिखाएंगे। दोस्तों कई बार क्या होता है प्लान कैसे दिखाते हैं, मैं बन गया तू मेरा बन जा और मेरे पास कोई कंपनी है तू मेरे को बना दे मैं तेरा बन जा, तो अट्टा साटा भी होता है हमारे तू मुझे बोले मैं तुझे दो दे। कई बार कहा था ये देखो जितनी मैं जाता हूँ वो सब मुझे एक एक फार्म बना दे मैं भी ले आता हूँ वो मेरा ले कोई लेने का काम है ना देने का, तो उसे ईमानदारी का काम है एक नंबर का काम है। कोई भी प्रोडक्ट आप लोगे 100% गारंटी के साथ। गौतम बाली जी कहते हैं ये बिजनेस किस चीज का है, प्रोडक्ट का है क्या नहीं, लीडर का है क्या नहीं, मैनेजमेंट का है क्या नहीं, उनका विजन है। अगर आने वाले टाइम में कोई पूछे नेटवर्क कंपनी कैसी हो प्रेस्टीज, उसका प्लान कैसा हो प्रेस्टीज, उसके प्रोडक्ट कैसे हो प्रेस्टीज, उसके लीडर कैसे हो प्रेस्टीज,